क्या ये कहना सीधा चाहेंगे? मैसेज है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कुछ दिनों से उत्पन्न किया है, उन लोगों के लिए सीधा डायरेक्ट मैसेज है कि अगर फिर से किया गया ऐसा कुछ भी तो पुलिस स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। देश सहित बिहार भर में अग्निपथ योजना का विरोध लगातार जारी है। इसी कड़ी की अगर बात करें हम तो लगातार प्रदर्शनों का दौर राजधानी पटना में भी देखा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अनिल, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। इसी कड़ी की अगर बात करें हम तो पटना में भी चाक चौबंद पुलिस के इंतजाम किए गए हैं। वहीं अगर ग्रामीण इलाकों की बात करें तो राजधानी के ग्रामीण इलाकों में भी कहीं ना कहीं पुलिस की गश्तियाँ, आज सोमवार का दिन है जहां पे भारत बंद का कॉल बुलाया गया है, जिसको लेकर तमाम जितने भी पुलिसकर्मी हैं या थाने हैं वो कहीं ना कहीं अपने इलाकों में गश्ती करते नज़र आ रहे हैं। अभी हम अपने तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं आपको कि पटना का ये पाटलिपुत्रा इलाका है, राजीव नगर और दीघा सहित कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पुलिस की चाक चौबंद इंतजाम देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात करें हम तो गश्तियाँ भी पुलिस की लगातार पैनी निगाह अपनी बनाए हुए है। इसी कड़ी की अगर बात करें हम तो पटना का पाटलिपुत्रा जंक्शन भी कहीं ना कहीं इसकी अब जांच में देखा जा रहा है, जहां पे पुलिस की पूरी बंदोबस्ती जो है वो तमाम यहां पे नज़र आ रही है। दीघा पाटलिपुत्रा राजीव नगर इलाके में फ्लैग मार्च निकाला गया है, क्या ये सीधा मैसेज है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कुछ दिनों से उत्पन्न किया है, उन लोगों के लिए सीधा डायरेक्ट मैसेज है कि अगर फिर से किया गया ऐसा कुछ भी तो पुलिस स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। कोई भी जरा भी स्लैकनेस नहीं, एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन। कल दीघा में कुछ देर के लिए उपद्रवियों ने फैल जलाया, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी? किसी की पहचान हुई उसमें कौन लोग थे? सीसीटीवी फुटेज देखा जा रहा है लोगों को आइडेंटिफाई। सर कहां कहां की गई आपके द्वारा जो फ्लैग मार्च, कहां कहां की गई फ्लैग मार्च और लोगों से क्या कुछ बात हुई? दीघा, राजीव नगर, पाटलिपुत्रा क्षेत्र। आम जनता से सर क्या अपील करेंगे? अफवाहों में ना पड़े, चीज़ों को समझे, खुद से समझे, तभी उसको उस पर एक्ट करें और किसी भी तरह के व्हाट्सएप मैसेज में बिलीव ना करें। ये सारी चीज़ें भ्रामक हैं। जिस तरह से उपद्रवियों ने, खासकर अगर बात करें हम तो इस उपद्रव के दौरान रेलवे को काफ़ी भारी क्षति उठानी पड़ी है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिसिया इंतजाम जो है वो देखने को मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से राजधानी पटना सहित अगर बात करें हम तो उनके तमाम इलाकों में पुलिस की चाक चौबंद इंतजाम कर दी गई है, वहीं पटना का पाटलिपुत्रा जंक्शन है जहाँ पर पुलिस की चाक चौबंद बंदोबस्ती भी देखी जा रही है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।